नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बालों को घने और लंबे कैसे बनाएं। हम यहां पे किसी केमिकल फॉर्मूले या किसी शैम्पू वगैरह की बात नहीं करने वाले हैं। जो घर में उपाय हो सकते हैं, घरेलू चीजों के द्वारा जो उपाय किए जा सकते हैं, वही उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज के दौर में हर किसी को गिरते बालों की चिंता तो होती ही है और कभी कभी टूटते और झड़ते बालों को लेकर इतना डर बैठ जाता है लोगों के मन में कि वो बहुत महंगे महंगे शैम्पूज और बहुत महंगे महंगे कंडीशनर्स, जिनमें कि केमिकल्स भी होते हैं ऑब्वियसली, उनको यूज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि घरेलू उपाय भी कई सारे, काफ़ी सारे, मैं 20 उपाय आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, उनके द्वारा भी आप अपने बालों की हेल्थ सुधार सकते हैं और घने, लंबे और मुलायम बाल पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा घरेलू तरीका है उसके बारे में। पहला तरीका है नारियल का तेल। तो आप सभी के घर में ज्यादातर मिलता ही है और नींबू भी जरूर होगा आपके किचन में। तो आपको ये करना है कि नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाना है और उसको अपने बालों में लगाना है, जड़ों पे मसाज करनी है। एक महीने के बाद ही आपको असर दिखने लग जाएगा, बालों की हेल्थ में काफी चेंज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका है अंडे में अगर आप 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर सर की मालिश करते हैं तो भी आपको काफी फायदा अपने बालों की हेल्थ में दिखेगा। अब हम तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। प्याज जो होता है उसका रस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो प्याज को पीस कर उसका 2 चम्मच करीब रस निकाल लीजिए और फिर इस रस को बालों की हल्के हाथों से मालिश कीजिए। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे रेगुलरली तो इससे भी आपको काफी फायदा अपने बालों की हेल्थ में देखने को मिलेगा। अब हम चौथे उपाय की बात करते हैं। आंवला जो होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आंवले का मुरब्बा आप खाइए, उससे भी आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। आंवले का मुरब्बा नहीं है तो कच्चा आंवला भी अगर आप रोज खाएं तो बालों की सेहत पे बहुत अच्छा असर इसका होता है। इसके अलावा आप आंवले के तेल से बालों की मालिश अगर करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। पांचवा उपाय है हमारा एलोवेरा से रिलेटेड। जी हाँ, एलोवेरा सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं अच्छा होता है, बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप एलोवेरा का जूस से अपने बालों की मसाज करते हैं, बालों में लगाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम छठे उपाय की बात कर लेते हैं। बालों में अगर आप अरंडी के तेल से मालिश करते हैं तो ये जिन लोगों के बाल बहुत टूट रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा ये होता है। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो आप बालों में अरंडी के तेल से मालिश जरूर कीजिए। अब हम सातवें उपाय की बात कर लेते हैं। मेथी के दाने तो घर में ज्यादातर होते ही हैं, इसको आप रात भर के लिए भिगो दीजिए पानी में और उसके बाद सुबह जब ये मुलायम हो जाए तो इसका पेस्ट बना के अपने बालों में लगाएं और फिर सर को धो लें। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका होता है बालों की हेल्थ को सुधारने का। अब हम आठवें उपाय की बात करते हैं। नारियल का दूध भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत पोषण देता है आपके बालों को। तो हफ्ते में अगर आप एक बार नारियल के दूध से बालों की मालिश करते हैं तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम अपने नवे उपाय पे। आलू में विटामिन ए, बी और सी का भंडार होता है और आलू के रस को अगर आप बालों में आधा घंटा लगा के रखते हैं और फिर बालों को धो लें तो इससे भी आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। दसवां उपाय है जैतून का तेल। जैतून के तेल से 3 दिन में एक बार रात को बालों की मालिश कीजिए। इससे बालों को हर तरह का पोषण मिलता है और बाल लंबे और मुलायम होते हैं। अब हम आते हैं अपने 11वें उपाय पे। नारियल और शीशम के तेल में गुड़हल के फूल का पेस्ट मिलाएं और 15 मिनट के लिए लगाकर सर को धो लें। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है अपने बालों को पोषण देने का। अब हम 12वें उपाय की बात कर लेते हैं। मेहंदी भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और पर्याप्त पोषण देती है आपके बालों को। तो सप्ताह में अगर आप एक दिन सर में मेहंदी लगाएं और फिर मेहंदी लगा के कुछ टाइम, करीब आधे घंटे तक उसको रखें और उसके बाद बालों को धो लें तो इससे भी आपके बाल काफी मुलायम और अच्छे दिखने लगते हैं। अब 13वां उपाय। मेहंदी में अगर आप अंडा और चाय की पत्ती का पानी मिलाकर रात भर काली कढ़ाई में रखते हैं और फिर इसको सर में लगाते हैं तो भी आपके बालों का कलर भी बेटर होता है, थोड़े बहुत सफेद बाल भी इससे कवर हो जाते हैं। प्लस ये आपके बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों की क्वालिटी को भी बहुत इम्प्रूव कर देता है। अब 14वां जो घरेलू उपाय है वो मैं आपको बता देती हूँ। पकी हुई नाशपाती को मैश करके इसमें जैतून का तेल और केला मिलाइए और फिर सर पर लेप करें। इससे सर की त्वचा को भी पोषण मिलता है और बाल भी अच्छे होते हैं। अब हम 15वें उपाय की बात करते हैं।
पटसन के बीजों को अगर आप रात भर भिगोकर रखते हैं और सुबह उन्हें उबाल कर उस उबले हुए पानी से बने हुए जेल को सर पर लगाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट देखने को मिलता है अपने बालों के लिए। अब हम 16वें उपाय की बात करते हैं। मुलायम और काले बालों के लिए अगर आप शिकाकाई भिगोकर रखते हैं और उसे अपने बालों पर लगाते हैं तो बाल आपके काले और घने होते हैं। अब हम 17वें उपाय की बात कर लेते हैं। रीठा और आंवला दोनों ही बालों को बहुत अच्छा पोषण देते हैं, तो अगर आप रीठा और आंवला का पेस्ट बनाकर बालों पर लगाते हैं तो इससे भी आपके बालों को बहुत पोषण मिलता है। अब हम 18वें उपाय की बात कर लेते हैं। तिल का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके तेल से अगर आप मालिश करते हैं, स्पेशली बालों की जड़ों पर मसाज करते हैं, तो बाल आपके घने बन जाते हैं। 19वां उपाय जो है वो सरसों के तेल को यूज करके होता है। सरसों के तेल को गर्म करके इसमें आप नारियल का तेल, तिल का तेल और अरंडी का तेल मिलाएं और इस सुपर तेल से सर की मालिश कीजिए। बालों के लिए हर तरीके से फायदेमंद होता है और काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये है बालों को घना, लंबा और मुलायम बनाने के लिए। अब हम 20वें उपाय की बात कर लेते हैं। नारियल के तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर आप बालों की जड़ों में लगाइए। इससे आपके बाल लंबे होते हैं और बालों की उम्र भी बढ़ती है, यानी कि वो जल्दी झड़ते नहीं हैं, टूटना कम होता है बालों का। तो नारियल के तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर भी आप बालों की जड़ों पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में मैंने आपको 20 घरेलू उपाय बताए हैं जिससे कि आप अपने बालों को घना और लंबा कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।